नमस्कार मित्रों, जय हिंद, जय भारत। आप सभी का स्वागत है एप्टीट्यूड के सिक्स्थ लेवल में। सिक्स्थ लेवल का ये पहले पार्ट का वीडियो है। अभी तक मैं मान के चल रहा हूँ कि आप एडिशन सीख चुके हैं, सब्ट्रैक्शन सीख चुके हैं, मल्टीप्लिकेशन सीख चुके हैं, डिवीजन सीख चुके हैं, स्पेशल पैटर्न्स इन नंबर्स भी जानते हैं, ग्रेटर नंबर, स्मॉलर नंबर, मेकिंग नंबर्स यूजिंग गिवन डिजिट्स भी सीख चुके हैं। और अगर इतना नहीं सीखा तो आप मेरे पहले के वीडियो जरूर देखें। मेकिंग नंबर यूजिंग गिवन डिजिट्स में एक एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर आपको चार डिजिट्स दी हुई हैं 7, 9, 5, 3, तो सबसे ग्रेटेस्ट नंबर आप इसे क्या बना पाएंगे। उसके लिए ग्रेटेस्ट नंबर तभी पॉसिबल है जब आप जो सबसे बड़ी डिजिट है उसे हाईएस्ट वैल्यू दें, यानी कि उसको 1000 की वैल्यू दें। चार डिजिट्स हैं तो 4 ones, 10s, 100s और 1000, तो हाईएस्ट डिजिट जो भी है इसमें उसे सबसे बड़े प्लेस वैल्यू पर रखें। तो 9 मैंने यहां रखा, उससे छोटी वैल्यू है 7, 7 को मैंने 100 पे रखा, उससे छोटे 10s पे रखा, 5 को उससे छोटा 3, उसको मैंने 1s पे रखा, तो ये बन गया ग्रेटेस्ट नंबर। और अगर स्मॉलेस्ट नंबर की बात करूं तो स्मॉलेस्ट नंबर कैसे बनेगा, सबसे छोटे नंबर को हाईएस्ट प्लेस वैल्यू वाली जगह रखना पड़ेगा, यानी 3 को रखना पड़ेगा 1000 में, 5 को रखना पड़ेगा 100 में, 7 को रखना पड़ेगा 10s में और 9 को रखना पड़ेगा 1s में। आप और भी बहुत सारे नंबर इससे बना सकते हैं, जैसे 9735, 9537, 9357, 7935, 7539, 7359, 7953, और भी बहुत सारे नंबर बन सकते हैं। अगर आप 3 को आगे रखें और 5 को आगे रख के बनाएं तो वो नंबर्स आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, आप क्या क्या सोच सकते हैं। हमने अभी तक असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर के बारे में भी जाना। असेंडिंग ऑर्डर मतलब छोटे से बड़ा और डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब बड़े से छोटा। ये कुछ नया सीखते हैं, अगर आप किसी भी हाईएस्ट एन डिजिट नंबर में 1 ऐड करते हैं तो आपको एन प्लस 1 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर मिलता है। एग्जांपल से समझते हैं, हाईएस्ट 1 डिजिट नंबर क्या है, 9। मैं अगर उसमें 1 ऐड करूंगा तो क्या मिलेगा मेरे को, मेरे को मिलेगा 10, जो कि स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर होगा। सिमिलर वे में हाईएस्ट 2 डिजिट नंबर है 99, मैं अगर उसमें 1 ऐड करूंगा तो मेरे को स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर यानी कि 100 मिलेगा। सिमिलर वे में 5 डिजिट नंबर के लिए अगर मैं 99,999 में 1 ऐड करूंगा तो मुझे स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर मिलेगा जो कि 1 लाख होता है। अब बात करते हैं न्यूमरेशन की। इंडियन नंबर सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला जो डिजिट राइट की तरफ होता है वो होता है 1s, लेफ्ट की तरफ उसके बाद होता है 10s, फिर 100, फिर 1000, फिर 10,000, फिर लाख, फिर 10 लाख, फिर करोड़, फिर 10 करोड़। हम लोग 100 के पहले कॉमा लगाते हैं इंडियन न्यूमरेशन सिस्टम में, 10,000 के पहले कॉमा लगाते हैं और 10 लाख के पहले कॉमा लगाते हैं, जबकि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में थोड़ा सा अंतर होता है। राइट मोस्ट डिजिट को हम लोग 1s बोलते हैं, उसके बाद लेफ्ट में 10s और फिर लेफ्ट में 100। कॉमा तो हम यहां पर भी पहली बार लगाते हैं, इसके बाद लेफ्ट में शुरू होता है 1000, फिर 10,000 और यहाँ पे 100,000 होता है। इंडियन नंबर सिस्टम में लाख होता है और यहाँ पे 100,000 होता है। 100,000 के बाद लेफ्ट की तरफ वापस कॉमा लगाते हैं और यहाँ शुरू हो जाता है मिलियन, जो कि हमारे 10 लाख के बराबर होता है। लेफ्ट में 10 मिलियन और लेफ्ट में 100 मिलियन, जो कि 10 करोड़ के बराबर होता है। अब एक चीज हमने और सीखी थी, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर और किलोमीटर। हमने कहा, मैंने पिछले वीडियो में आपको समझाया था, मिलीमीटर काफी छोटी यूनिट है। अगर आप
ज्यादा बड़ा डिस्टेंस समझना चाहे तो किलोमीटर में समझ सकते हैं। अब अगर आप मिलीमीटर से किसी भी नंबर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहें तो आप डिवाइड करते हैं 10 से। हर स्टेप पे आपको 10 से डिवाइड करना होता है। लेकिन जबकि आप अगर किलोमीटर से हेक्टोमीटर, डेकामीटर और मीटर की तरफ आए तो आपको हर स्टेप पे 10 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो अब अगर मैं बात करूं शॉर्ट में तो 1000 मीटर कितने के बराबर होगा? 1 स्टेप यानी 10, एक और स्टेप 10, एक और स्टेप 10, ये हो गया 10 × 10 × 10 यानी कि 1000 मीटर। 1000 मीटर कितने के बराबर होगा? ये होता है 1 किलोमीटर के बराबर। सिमिलर वे में अगर मैं वजन के बारे में बात करूं तो 1000 ग्राम किसके बराबर होता है? वो होता है किलोग्राम के बराबर। आप लोग मार्केट से सब्जी खरीदने जाते हैं, क्या बोलते हैं, भैया 1 किलो आलू दे दीजिए, 2 किलो प्याज दे दीजिए, बोलते हैं ये सब चीजें। चावल 5 किलो दे दीजिए, आटा 10 किलो दे दीजिए। तो किलोग्राम जो होता है वो एक बड़ी यूनिट है। सिमिलर वे में जब आप कोल्ड ड्रिंक की बॉटल खरीदने जाते हैं या दूध लेने जाते हैं, वो मिलीलीटर में नहीं आता, वो आता है लीटर में। जैसे बड़ी कोल्ड ड्रिंक की बोतल आती है 2.25 लीटर। सिमिलर वे में अगर मैं आपसे कहूं कि आपके घर की छत पे जो टंकी रखी है उसमें कितना पानी आएगा, आप बोलेंगे उसमें सर 1000 लीटर पानी आता है या फिर 2000 लीटर पानी आता है। 1000 की जगह पे आप 1 किलो लीटर भी यूज कर सकते हैं, यानी कि किलो रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे 1000 को, और 2000 लीटर को क्या हो जाएगा? 2 किलो लीटर। क्लियर है? आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।